हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ इच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों भी वेरिएबल के जो डिग्री हो कितने होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम उसको जनरल फॉर्म क्या है उसका, जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कैसे, ये लीनियर इक्वेशन है, इसके अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए, दो। x एंड y क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एंड दोनों भी वेरिएबल्स की जो डिग्री है उसके ऊपर जो पावर्स है उसकी वो कितनी है, वन है। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब हम इस फॉर्म को, ये तो हमारा जनरल फॉर्म में है नहीं, तो इस फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी है। हमें सारे के सारे टर्म्स क्या चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ओके, राइट हैंड साइड में ओनली ज़ीरो एंड लेफ्ट हैंड साइड में बाकी सारे के सारे टर्म्स। ओके, तो हमको करना क्या है, जो सारे टर्म्स है उसको हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो 3x यहाँ पे ऑलरेडी था, ये 4y जो है वो राइट हैंड साइड में था, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो नेगेटिव 4y हो जाएगा। एंड सेम वे में ये नेगेटिव 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 12 एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कैसा फॉर्म है, जनरल फॉर्म की तरह है, ये हमारा जनरल फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स सी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम एक साथ लेते हैं, मैं एक साथ उसके बारे में सोचते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। नाउ अब उसकी सोल्यूशंस, ओके, इक्वेशंस के जो सोल्यूशन होते हैं वो देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज द ऑर्डर पेयर व्हिच सेटिस्फाइज बोथ द लीनियर इक्वेशन। मतलब कि अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा होगा। ओके, तो एक से ज़्यादा जो मतलब दो इक्वेशन है नॉर्मली यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन की जो सिस्टम्स है उसके सोल्यूशन क्या होगा, वो एक ऑर्डर पेयर होता है। ओके, ध्यान रखना है इस बात को, ऑर्डर पेयर होता है, मतलब कि हमेशा दो के टर्म्स में होगा, दो के पेयर्स में होगा, और वो दोनों भी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, एक सिमिलरली दूसरा इक्वेशन ले लेंगे एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू हम ऐसे लेंगे सो दैट कि दोनों भी क्या करें, सेटिस्फाई कर दें। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट, और उसके अंदर हम धीरे धीरे सीखेंगे कि और भी आगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो क्वेश्चन एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको करना क्या होता है नॉर्मली, ओके, हमको नॉर्मली करना क्या होता है कि इस इक्वेशंस के अंदर में हमें एक ऐसा पेयर चाहिए होता है जो कि सेम हो। ओके, और वो सेम मिलने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या उसको ऐड करना चाहिए या सबट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, तो नॉर्मली जब वो उसकी जो पेयर्स होंगे अगर उसके साइन सेम होंगे तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो साइन अपोजिट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए सेम पेयर्स अपोजिट साइन एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम पेयर्स सेम साइन। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 3y तो सेम पेयर्स मिल गए। अब इसके साइंस को देखते हैं, साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमें क्या मिल गया, सेम पेयर अपोजिट साइन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स
ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो हमको इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करना है, सिंपली इन दोनों को ऐसे लिख लेना है, ओके, एंड उसको हम वर्टिकली ऐड करेंगे, ओके. यहाँ पे देख लो, 5x एंड 2x, यहाँ पे x बाहर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 प्लस 2 कितने हो गए, 7, एंड यहाँ पे ये 3y माइनस 3y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0, ओके. 9 प्लस 12 इज 21, नाउ ये क्या हो गया, 7x इज इक्वल टू 21. 7x में हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है कोई भी अननोन्स का, तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं एंड बाकी जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं. तो यहाँ पे 7 जो है ये कॉन्स्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहीं पे रहेगा, कॉन्स्टेंट उस साइड जाएगा. तो जब हम कॉन्स्टेंट को अपोजिट साइड भेजते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स है, अगर वो मल्टीप्लाई होता रहता है तो अपोजिट साइड जाता है तो वो डिवाइड करता है. तो यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 7, ओके, 21 डिवाइड बाय 7 करते हैं, 7 3 21 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई. आगे की एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ओके, ये जो x की वैल्यू 3 है वो इक्वेशन 1 में आपको पुट करने बोला है. इक्वेशन 1, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पे x कहाँ पे है, यहाँ पे, तो x की जगह पे हमको क्या रखना है, 3, एंड बाकी सब एज इट इज, बाकी सब में कुछ चेंज नहीं करेंगे, जिस x की जगह पे हमें 3 रख देना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9. यहाँ पे 5 3 का कितना होगा, 15 होगा. अब नेक्स्ट स्टेप में एक साथ क्या किया है, 3y इधर ही रखा है, क्योंकि हमें वेरिएबल वाला टर्म्स को लेफ्ट साइड रखना होता है और कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को अपोजिट साइड रखना होता है. तो यहाँ पे 9 और ये जो 5 3 15 हो गया वो इस साइड आ गया, तो इस साइड से इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, ओके. तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 क्या हो गया, माइनस 6, ओके. अब नेक्स्ट टर्म में हमें सिर्फ y अलोन चाहिए, एंड जो ये 3 वाला टर्म है उसको भी अपोजिट साइड भेजना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को अपोजिट साइड भेजेंगे, अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 3. अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 2 6, तो ये 3 2 हमें 6 आएगा, आंसर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2. अब हमको फाइंड क्या करना था, इसको सॉल्व करना मतलब कि हमको ऑर्डर पेयर फाइंड करना था. ऑर्डर पेयर फाइंड करना मतलब कि एक पेयर जो कि दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हूँ, ओके. तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस 2. तो सोल्यूशन क्या हो गया, x कॉमा वाई के टर्म्स में हम लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ऑर्डर पेयर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का टर्म 3 एंड y वाला टर्म्स ये माइनस 2. तो सोल्यूशन क्या है, 3 माइनस 2 इज द सोल्यूशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना है और उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें लिखना होता है, ओके. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. दूसरा इक्वेशन है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. ये हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ओके. तो नॉर्मली सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो भी दो इक्वेशन दिए होते हैं हम उसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, ओके. पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर एक. नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर टू है, ओके. अब हम इक्वेशंस के अंदर में क्या क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके सेम पेयर्स मिलने चाहिए. तो यहाँ पे सेम पेयर्स है नहीं, ये 3a और ये a, यहाँ पे 5b एंड 5b क्या है, सेम पेयर्स है. तो सेम पेयर्स होते हैं हमें, तो उसके बाद हमको क्या ढूंढना होता है कि क्या वो उसके साइन सेम है कि डिफरेंट है, ओके. यहाँ पे ये भी प्लस है एंड ये भी प्लस है, तो दोनों के साइन क्या है, सेम है. तो जब भी हमें सेम साइन मिलते हैं तब हम उसको क्या करेंगे, अपोजिट बनाते हैं, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके. सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो ये हम इस तरीके से लिखते हैं उसको, 3a प्लस
फाइव बी इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लस है, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस पॉजिटिव है ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पे 5b एंड 5b ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या हो जाएगा कैंसिल, ज़ीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे 26 माइनस 22 कितना हो जाएगा 4। ओके, नाउ हम उसको क्या करेंगे, जो भी हमें वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखना है, जो कि क्या है a, एंड बाकी के जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेना है। तो 4 ऑलरेडी था, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अब हम इसको कैंसिल करें तो 2 टू ज़ा क्या होता है 4 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आई 2। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक के अंदर में पुट करना है, सो दैट हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हम इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये a की जगह पे हमें 2 रखना है, तो 3 इंटू a क्या है, ये 2 है, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। हमें वेरिएबल वाला टर्म्स लेफ्ट साइड रखना है, बाकी को क्या करना है राइट हैंड साइड भेजना है। तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ पे 5b ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा 20। नाउ वेरिएबल वाला टर्म्स b है, बाकी तो हम अपोजिट साइड भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, एंड ये 5 4 20 होता है। तो नाउ b की वैल्यू कितनी आई 4। सो a की वैल्यू 2 थी एंड b की वैल्यू 4, तो हमें ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, हेंस सोल्यूशन इज a कॉमा b इक्वल टू 2, 4। ये क्या है, ये इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, तो हम इसको लेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन के टर्म्स में, पहला है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि इसके अंदर सेम टर्म है कि नहीं, सेम पेयर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y, तो सेम पेयर्स नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, ये भी सेम पेयर नहीं है। तो हम जब हमें सेम पेयर नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको बनाना पड़ता है सेम पेयर। ओके, तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें एडजस्ट करें तो हमें सेम पेयर्स मिल जाएगा। यहाँ पे 3, अगर 3 यहाँ पे भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेम पेयर मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, एंड ये बाकी सब टर्म्स भी चेंज होगा। तो ओके, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो उसको लिखते हैं, हमें मिलेगा 3x प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, न्यू इक्वेशन। हम इसको लेट्स से कि इसको बोलते हैं कि इक्वेशन नंबर क्या है, ये 3 है। ओके, हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला, हम उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को जिसको हमने चेंज किया है उसको अभी हमें नहीं देखना है, हमको इन दो इक्वेशंस को लेके चलना है। तो हम इन दो इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 3x है
और ये 3x है, अगेन द सेम पेयर है बट उसके साइन क्या है, सेम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ओके तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। ओके तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, इक्वेशन टू किधर है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, एंड इक्वेशन थ्री 3x प्लस 21y, ओके इज इक्वल टू 30। अब हमें इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या करना होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। सारी ये टर्म्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, अगेन ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। ओके तो नाउ ये 3x एंड 3x ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 2y है एंड 21y है और दोनों भी नेगेटिव है, तब हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बट साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। ओके तो यहाँ पे 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 23, बट ये साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू नाउ 7 माइनस 30, मीन्स 30 में से 7 माइनस करेंगे बट साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव 23। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सेम कि हमको आगे जो है वेरिएबल को एक साइड रखना है एंड कांस्टेंट को दूसरी साइड, साथ में ये माइनस और ये माइनस हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23y, इधर भी क्या बचेगा 23। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये माइनस कैंसिल हो गया बट हम उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ओके नाउ जो y है लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये 23 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके तो ये 21 वन ज़ार 21, तो हमें आंसर क्या मिला, 1। सो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके नाउ अब हमको इस y की वैल्यू जो है, y इज इक्वल टू 1 मिला, हम उसको इक्वेशन 1 2 3 में से किसी के अंदर भी पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। ओके सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, लेट्स सी कि 1 इक्वेशन 1 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या आता है, देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस ये है तो हम उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 7y है, y की जगह पे हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ओके इज इक्वल टू 10, बाकी सब एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x रह जाएगा, यहाँ पे 7 × 7 इक्वल टू 10। ओके नाउ ये x वाला टर्म एक साथ ही रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा और जो कांस्टेंट है उस साइड जाएगा, तो 10 माइनस 7 x इज हाउ मच, 10 माइनस 7 इज 3, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली, एंड y की वैल्यू कितनी मिली थी, 1। तो हमारे पास जो ऑर्डर है, ओके ऑर्डर पेयर, दैट इज हेंस सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हम सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, x कॉमा y के टर्म में, और जो कि किसके इक्वल रहता है, हमारे 3, 1 के इक्वल रहेगा, ये x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू। तो ये जो है हमारा क्या है, सॉल्यूशन है सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। अब सेम है, कुछ नया नहीं है, हमको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगेन स्टेप सेम है, हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन के टर्म में लिखना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारा पहला इक्वेशन। ओके नाउ सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके नाउ हमको करना क्या है, हमको अगेन देखना है कि पेयर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे पेयर्स क्या है, 2x इन 2x सेम मिल गया हमको। ओके तो अब हम इसको क्या करना है, सेम पेयर्स है तो उसके साइन देखना है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है तो सेम साइन, सेम पेयर्स एंड सेम साइन है तो हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट
इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। तो हम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करेंगे। ओके, यहाँ पे टू एक्स सॉरी माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन हो गया, एंड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन हो गया। अब हम इस इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट जब भी करते हैं तो सारे साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा। नाउ टू एक्स एंड टू एक्स क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो नलीफाई कर देगा। सो ज़ीरो नॉर्मली कट करते हैं, यहाँ पे माइनस थ्री वाई और ये माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज़ माइनस फोर वाई। यहाँ पे कितना होगा, नाइन माइनस थर्टीन कितना हो जाएगा, फोर बचता है। हम थर्टीन में से नाइन माइनस करेंगे तो फोर आएगा, बट साइन क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस फोर। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म में अगेन हम इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, फोर वाई इज इक्वल टू फोर। नाउ हमको वेरिएबल एक साइड में चाहिए, तो दैट इज़ वाई एक साइड हो जाएगा, और यहाँ पे फोर है और ये फोर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फोर वन ज़ा फोर, हमें वाई की वैल्यू क्या मिल गई, वन। ओके, नाउ हम वाई की वैल्यू जो मिलती है, हम उसको क्या करते हैं, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू दोनों में से किसी के अंदर भी क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। ओके, सो पुट वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन, लेट्स सी अभी हम टू में पुट करके देखते हैं, इक्वेशन टू। तो हमारा इक्वेशन टू जो है ये है, इक्वेशन टू है टू एक्स प्लस वाई, और वाई की जगह पे क्या रखना है, वन रखना है, इज इक्वल टू थर्टीन। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलता है यहाँ पे टू एक्स। ओके, एंड ये जो यहाँ पे जो वन था, हम उसको इस साइड लेके जाएंगे, तो थर्टीन माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्टीन माइनस वन इज हाउ मच इज ट्वेल्व। ओके, नाउ वेरिएबल हमें एक साथ ही रखना है, लेफ्ट साइड और बाकी के टर्म्स अपोजिट साइड। सो ये ट्वेल्व है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन डिवाइड होगा, सॉरी टू डिवाइड होगा, तो टू सिक्स का क्या होता है, ट्वेल्व होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो नाउ हमें x की वैल्यू सिक्स एंड y की वैल्यू वन मिला, तो सोल्यूशन क्या है, हेंस सोल्यूशन इज x कॉमा y जो कि इक्वल है किसके, सिक्स कॉमा वन के, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे, बीच में दो क्वेश्चन हैं, आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम सेम वे में जैसे बाकी सब तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको भी सॉल्व करना है, तो आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ओके,